الدين الخالد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. محترم حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں اور بزرگوں، ملت کے غیور نوجوانوں، عزیزان ملت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، حمد اور صلات کے بعد سورہ الفتح کی دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنے آخری نبی رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا ہے، اور آپ کے تعلق سے ہم لوگوں پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کی جانب بھی اشارہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر روز اول سے لے کر قیامت تک جو سب سے اشرف، سب سے افضل،
सबसे बरतर इंसान इस रूए ज़मीन पर चला होगा या चलेगा वो आपकी ज़ाते ग्रामी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने आपको सारे जहान के लिए रहमतुल आलमीन बनाया था, और हमारा ये अकीदा है कि जब तक हमारे दिलो दिमाग के अंदर आपकी मोहब्बत, हमारी अपनी जान, हमारी औलाद, हमारे वालिदैन, हमारे अज़्ज़ा और अक़रबा तमाम चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर न हो जाए, तब तक हमारा ईमान मुकम्मल और दुरुस्त नहीं हो सकता। फ़र्ज़ंदाने मिल्लत इस्लामिया, ये अजीब मामला रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और जब तक आपको सिर्फ अब्दुल्लाह का बेटा और आमिना का राज दुलारा कहा जाता रहा, आपके ख़ानदान, मक्का के तमाम बाशिंदे, कुरैश के तमाम लोग आपको बहुत चाहते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। लेकिन जिस दिन आपकी नौइयत में इजाफा हुआ, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे जाने लगे, और जब आपने कोहे सफा पर से तौहीद की मुनादी लगाई, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने आपको यह हुक्म दिया कि वंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उठिए और अपने करीबी लोगों को, अपने ख़ानदान के लोगों को, करीबी रिश्तेदारों को हमारा पैगाम पहुँचाइए, तौहीद के मैसेज को पहुँचाइए, और आपने कोहे सफ़ा पर चढ़कर जब यह तौहीद की मुनादी लगाई, लोगों को इकट्ठा किया और तौहीद के पैगाम को उनके सामने रखा, तो आपके सबसे ज़्यादा करीबी लोग, आपके सगे चचा अबू लहब ने कहा कि अलिहादा जमातना या मोहम्मद, तब्बन लका साइर अल्यौम, ए मोहम्मद, क्या तुमने हम तमाम लोगों के को इसीलिए इकट्ठा किया था? तुम्हारी हलाकत हो और तुम्हारी बर्बादी हो। ये दुश्मनी अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महज इस बुनियाद पर थी कि आपने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया था, और उसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने अबू लहब के इस जुमले के नतीजे में कुरान मजीद के अंदर पूरी सूरत का नुज़ूल फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु व हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लु मिन मसद। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अदावत की बुनियाद है, और आपके सिलसिले में जो तौहीन आमेज ज़हन लोगों का बना, उसका सिलसिला यहीं से शुरू होता है। अबू लहब ने जब आपकी तौहीन की, और यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद की दावत को मक्का के गली कूचे में और मक्का के बाजारों में जब जाकर के लोगों को तौहीद का पैगाम पहुंचाते थे, तो पीछे पीछे उनका चचा अबू लहब भी चला करता था और कहता था, तुम लोग इसकी बात की तस्दीक मत करना, ये मेरा भतीजा है, मैं इसको जानता हूँ, ये तो मजनू है, ये तो पागल है, ये तो जादूगर है। और इस तरीके से तौहीन आमेज कलमात आपकी शान में कहा करता था। मेरे भाइयों, ये सिलसिला उसी जमाने से चला, और पूरी आपकी जिंदगी, मक्का की पूरी जिंदगी, और मक्का की जिंदगी के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो उसके बाद भी आपके दुश्मनों में कमी नहीं हुई, और तरह तरह से आपके सिलसिले में मजहका खेज काम अंजाम दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने इस आयत मुबारका के अंदर जो पैगाम हमें दिया है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीरा, हमने आपको पूरी मखलूक के ऊपर गवाह बना करके भेजा है, और मुसलमानों के लिए जो लोग आप पर ईमान रखते हैं
और आपके ईमान के तकाजे को पूरा करते हैं, हमने उनके लिए आपको बशारत सुनाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला बना करके भेजा है। वह नजीरा, और जो लोग आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, जो लोग आपका इनकार करते हैं, जो लोग आपके सिलसिले में तरह तरह की साजिशें रचते हैं, उनको, उनके लिए हमने आपको डराने वाला और नजीर बना करके भेजा है। ये तो आपके मकाम और मर्तबे को उजागर किया गया, लेकिन हम मुसलमानों को, हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا। اے مسلمانوں, تمہاری ذمہ داری یہ ہے, تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, جو ایمان کے تقاضے ہیں, اللہ پر جو ایمان کے تقاضے ہیں اور رسول پر جو ایمان کے تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو تم لوگ پورا کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ, اور ہمارے رسول محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو, ان کی مدد کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ رب العالمین کی پاکی, اس کی پاکیزگی بیان کرو صبح و شام۔ اللہ رب العالمین کی ذکر سے, اس کی یاد سے غافل مت رہو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مسلمانوں, اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیوں کا سلسلہ اسی زمانے سے چلا, اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ کو ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے بددل نہیں ہونا چاہیے, کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ اِنَّا کفیناک المستہزئین الذين يدعون مع الله اله اخر فسوف يعلمون۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے مقابلے میں, جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, جو لوگ آپ کا استہزاء کرتے ہیں, جو لوگ آپ کا ٹھٹھا کرتے ہیں, ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس طرح کے نمونے دکھائے۔ ابھی آپ کے سامنے ابو لہب کا تذکرہ آیا, اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے اس جملے پر قرآن مجید کے اندر پوری سورت کا نزول فرما دیا, اور یہ سورت صبح قیامت تک مسلمانوں کو ابو لہب کے انجام سے باخبر کرتی رہے گی۔ ابو لہب کا کیا انجام ہوا؟ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں, اس آیت کے شان نزول کو پڑھیں, تو آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ یہ ابو لہب, جس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا, مفسرین کہتے ہیں کہ ابو لہب کا نام, جو ابو لہب اسی کنیت اسی واسطے پڑی تھی کہ اس کا چہرہ بڑا روشن, بہت سفید اور سرخ نظر آ رہا تھا, اس لیے اسی کنیت ابو لہب پڑ گئی تھی۔ اور جب اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ٹھٹھا کیا اور مذاق کیا, تو اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ اِنَّا کفیناک المستہزئین, ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں سیرت کی کتابیں, تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ اس کے جسم میں دانے پڑ گئے, دانے نکل آئے, جس کو سترہ کہا جاتا تھا, چھوٹی چھوٹی پھنسیاں, اس میں پیپ بھرا ہوا تھا, اور یہ بیماری اتنی خطرناک تھی۔ ابھی ہم لوگوں نے کورونا وائرس کے دور کو دیکھا ہے, اس کی شکل تو نظر نہیں آئی, لیکن جو ہیبت لوگوں پر کورونا وائرس کی تھی, اس سے کم ہیبت اس بیماری کی اس زمانے میں قریش اور مکہ والوں پر نہیں تھی۔ اس کی حالت یہ تھی کہ جب اس کو یہ بیماری ہو گئی تو کوئی اس کے گھر کا لوگ, عتبہ و طیبہ, اس کے بیٹے, کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا, اس کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا تھا ویسے ہی۔ اور اس کے بعد جب اس بیماری میں وہ مر گیا تو اس کو باہر نکال کر کے چھوڑ دیا, دو تین دن تک اس کی لاش پڑی رہی, لاش سے بدبو آنے لگی, پڑوس کے لوگ, محلے کے لوگوں نے لان تان شروع کیا, تب جا کر کسی طریقے سے کچھ حبشیوں کو بلا کر کے اس کی لاش پہ گڈھا کھود کر کے اس میں ڈلوا دیا گیا لکڑی کے سہارے, اس کو چھوتا نہیں تھا اس کو, جس طریقے سے بھی آپ نے منظر دیکھا کورونا وائرس کا, اس طریقے سے کوئی اس سے قریب نہیں جاتا تھا, لکڑیوں سے ٹھیل ٹھیل کر کے اس کو گڈھے میں ڈالا گیا, اور اس پر سے پتھر اور
मिट्टियां डाल करके उसको दफन किया गया। ये उस शख्स का अंजाम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, वो बर्बाद हो गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, उसका माल जो उसने जायदाद के तौर पर, वरासत के तौर पर पाया था, न तो वो उसके कोई काम आ सका और न तो उसकी वो प्रॉपर्टी जो उसने कमाई थी। मा कसब में सब आता है, उसके बेटे, उसकी प्रॉपर्टियां, उसकी कुर्सियां, उसके मनासिब, ये तमाम चीज, न उसका मनसब काम आ सका, न उसकी कुर्सी काम आ सकी, न उसके बेटे काम आ सके, न उसने जो कमाया था उसकी कमाई काम आ सकी। मेरे भाइयों, ये अंजाम होता है। और भी आप आगे बढ़ें, अबू जहल को देखिए। ये अबू जहल जो लोगों से पूछता था, क्या मोहम्मद तुम लोगों के सामने सजदा करता है क्या हरम के अंदर? मोहम्मद की जुरत कि वो आकर के अपने तौर पर इबादत हरम शरीफ में करता है? लोगों ने बताया कि हां करता तो है, सही मुस्लिम की रवायत। कहा कि मैंने अगर देख लिया मोहम्मद को इस तरह करते हुए तो उसकी गर्दन तोड़ करके रख दूंगा, उसकी गर्दन रौंद दूंगा उसको। उसे एक दिन खबर मिली कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। भागा भागा आया, चाहा उसने करीब होना चाहा कि मोहम्मद के गर्दन पर अपना पैर रख दे, गर्दन को तोड़ दे। अभी करीबी हुआ था, बिल्कुल करीब नहीं पहुंचा कि वहां से पीछे भागने लगा, अपने हाथ से बचाव करने लगा, ऐसे 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 बचाव करने लगा। जैसे किसी को मारा जाता है या हमला किया जाता है तो इंसान अपनी बचाव करता है, बचाव करते हुए पीछे भागने लगा। तो लोगों ने कहा, मान गई अबा जहल, अबू जहल क्या बात है, तुम भाग क्यों रहे हो? कहा, पूछो नहीं। इन बैनी व बैनहु लखंदकन मिन नारिन व हौलन व अजनहतन। कहा, मैंने एक अजीब मंजर देखा, मैं उसके करीब होना चाह रहा था तो मैंने देखा कि मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक है और बहुत हौलनाक है और बहुत सारे पर हैं। मैं इस मंजर देखकर मैं कांप गया, मेरी हिम्मत नहीं हो सकी आगे बढ़ने की। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया तो आपने कहा कि अगर अबू जहल मेरे करीब हो जाता तो फरिश्ते उसके उज्व को, उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर डालते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन, हम काफी हैं मजाक करने वालों के लिए। यही अबू जहल जब वे जंगे बदर में गया, बुखारी शरीफ की रवायत है, अब्दुल रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि मैं जंगे बदर में शरीक था, देखता क्या हूं कि मेरे दाएं और बाएं दो नौ उम्र लड़के मौजूद हैं। मैंने सोचा कि काश कोई जवान होता, बाका होता, मजबूत लोग मेरे दाएं बाएं होते, मेरी मदद करते। ये तो नौ उम्र किस्म के लड़के। इतने में एक लड़का एक तरफ से मुझे थोड़ा सा चौंका लगाता है और कहता है, या हम हल तारीफ अबा जहलिन। कहा, चचा क्या अबू जहल को आप जानते हैं? कहा, बेटे जानता तो हूं लेकिन क्या बात है, ये गैरत देखिए मुसलमानों की। अल्लाह ने कहा कि जरूर हूं, तुम उनकी हिमायत करो, उनकी मदद करो, वो तो वक्रू उनकी तौकीर करो। कहा, चचा मैंने सुना है कि अबू जहल हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता है, गाली देता है, अगर ये मिल गया तो या तो आज वही रहेगा या हम रहेंगे, इस जमीन पर दोनों जिंदा नहीं रहेंगे, बस आप मुझे इशारा कर दीजिए, बता दीजिए कि अबू जहल कौन है, मैं पहचानता नहीं उसे। कहा, मैं अभी उससे ये बात कह ही रहा था कि दूसरी जानिब से दूसरे लड़के ने वही बात पूछी मुझसे, या अम हल तारीफ अबा जहल, अबू जहल को जानते हैं आप? वही बात उसने भी कही। कहा, मुझे जरा बता दीजिएगा बस। कहा, अभी गुफ्तगू चल ही रही थी कि मुझे दूर से अबू जहल नजर आ गया। मैंने कहा, तुम लोगों को जिसकी तलाश है वो देखो अबू जहल आ रहा है। कहा, अच्छा यही अबू जहल है? कहा, दोनों दौड़ते हुए अपनी तलवारें ले जाके करके उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान उसके जिस्म से अलग नहीं होगी, निकल नहीं गई जान उसकी। उसको कत्ल करने के बाद, उसको जहन्नम रसीद करने के बाद ही उन लोगों ने छोड़ा, और उसके बाद दोनों फखरिया अंदाज में आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैंने अबू जहल को कत्ल किया, वो कहता मैंने अबू जहल को कत्ल किया। आपने पूछा,
तुम लोगों की तलवारें कहाँ हैं, क्या तलवार तुम लोगों ने पोछ रखा है, साफ कर दिया है? कहा नहीं, अभी साफ नहीं किया है। दोनों ने अपनी तलवारें दिखाई, दोनों खून में लथपथ तलवारें। आपने उनको तसल्ली दी, उनको हौसला दिया, कहा तुम दोनों ने बुजहल को कत्ल किया है। मेरे भाइयों, ये अंजाम होता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का। और इस तरह की बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। इस मुख्तसर से खुतबे के अंदर वो तफासिल नहीं आ सकती हैं। इनके इस आज भी ये जो हम मंजर देख रहे हैं, फ्रांस का या दीगर मगरबी ममालिक का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो गुस्ताखियां वक्फे वक्फे से आती हैं, इससे मायूस और बददिल होने की जरूरत नहीं होती है। ये तो ये है कि हमें जगाया जाए, हमें बेदार किया जाए, और हमें सोचना चाहिए कि ऐसे मौके पर हमें क्या करना है। आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया याद है, 9/11 का। उसके बाद के हकायक ये हैं, उस हादसे के बाद से, जिस हादसे को मुसलमानों के सर थोप दिया गया था, उस हादसे के बाद से जितनी तेजी से इस्लाम अमेरिका में फैला है, उससे पहले कभी नहीं फैला था। लोगों को इस्लाम के बारे में पढ़ने की इतनी चाहत हुई, इतनी ख्वाहिश हुई, इतनी जुस्तजू हुई कि इस्लाम है क्या आखिर। तो इस तरह के वाकयात जो होते हैं, वो हम लोगों को बेदार करने के लिए, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम अपनी जिम्मेदारियों को कहां तक निभा रहे हैं और कहां तक हमें निभाना चाहिए। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए औकात, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मेरे भाइयों, आज आजादी राय का नाम दिया जाता है, आजादी फिक्र का नाम दिया जाता है, कि हर आदमी को आजादी है किसी के बारे में कुछ भी कहे सुने। अजीब सी बात है, हमाकत की बात। कोई भी होशमंद इंसान जो पागल नहीं है, इस बात को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। भाई, किसी के यहां अगर मैयत पड़ी हो, उसके वालिद का इंतकाल हो जाए, और कोई जाए ताजियत में, और जाने के बाद वहां जाकर के उसके बाप को लान तान करना शुरू कर दे, बुरा भला कहना शुरू कर दे, आजादी राय की बुनियाद पर कि भाई हमें आजादी है, किसी के बारे में कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी होशमंद इंसान इसको तस्लीम कर सकता है? मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने प्यारे रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खुद पढ़ें, आपका मुताला करें, और आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। कुरान में सिखाता है, वलो अन्नहुम फअलू मा युअदून बिही लकाना खैरल लहुम व अशद्द तस्बीता। इस आयत पर गौर करना चाहिए। अगर ये लोग उन बातों पर अमल करते जिनकी उन्हें नसीहत की जाती है, जिनका वास किया जाता है, आप हर जुमे के खुतबे में वास सुनते हैं, वलो अन्नहुम फअलू मा युअज़ून बिही लकाना खैरल लहुम अशद्द तस्बीता, तो ये इनके लिए बेहतर होता और इनकी जवामर्दी, इनकी पामर्दी के लिए यही काफी है कि ये रसूल के बताए हुए तरीके को इख्तियार कर लें। हमें सीरत का मुताला करना चाहिए, अपने घरों में, अपने अहलो आयाल में सीरत की किताबों को का विर्द होना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, अपनी मस्जिदों के अंदर सीरत का दर्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ आज तो अल्लाह का शुक्र है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जितनी किताबें लिखी गई हैं, किसी भी मौजू पर दुनिया के किसी भी इंसान के बारे में उतना नहीं लिखा गया, और दुनिया की हर जबान के अंदर। हम जहां रहते हैं, बिरादरान वतन के सामने सीरत की उन किताबों को जो उनकी जबानों में लिखी गई है, जिनको वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी जबानों में सीरत की किताबों को फरोग देना चाहिए, रखना चाहिए। हम लोगों ने कभी इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं किया। आप बड़े होटलों में जाइए तो आपको वहां बाइबिल के नुस्खे हर कमरे में मिलेंगे, इंजील के नुस्खे हर कमरे में मिलेंगे। हम लोगों ने कभी इस पर तवज्जो नहीं किया कि आज मुल्क के दस्तूर का फायदा उठाते हुए, जमहूरियत का फायदा उठाते हुए, हम कोशिश करें हसास मकामात पर, बड़े बड़े होटलों में और भी जो हसास जगह हैं, वहां कुरान मजीद की मुख्तसर सी तफसीर और अपने प्यारे नबी की पाकीजा सीरत की किताबों को वहां रखें, ताकि लोग पढ़ें उसको। इस बात की जरूरत है, इससे हम अपने नबी की हिमायत कर सकते हैं, अपने नबी की मदद कर सकते हैं। आइए
خطبے کا وقت ختم ہو گیا اور ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں اپنے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم تمام لوگوں کو نیک اور ایک کر دے. الہی ہمیں جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفا یاب کر دے. جو لوگ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں بارے الہ ان کے قرض کے ادائیگی کی سبیل بنا دے. اے اللہ ہمیں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے جائز حلال روزگار فراہم کر دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلا وكورونا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.